आपने हमारे लिए कब्र खोदी, आपने हमारे लिए कब्र खोद दी, शुक्रिया जनाब। लेकिन पहले आप जब भी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो हम पहले आपका नारा लगाएंगे। मेरे पास कुछ पंक्तियां थी कुछ नामों पर। देखिए, हर देश को शांति की जरूरत होती है, हर देश को दया की जरूरत होती है, लेकिन मुसीबत तब आती है जब ये शांति और दया किसी दफ्तर में चली जाती है। ये सारा दफ्तर जान गया था, सारा दफ्तर जान गया था कि उनकी पत्नी का नाम तो शांति था और सेक्रेटरी का नाम दया था। सारा दफ्तर जान गया था कि उनकी पत्नी का नाम शांति था और सेक्रेटरी का नाम दया था। तो जो भी आता हकलाता, वे बोलते बात क्या है फरमाइए, तो दबे स्वर में कहते वो, अजी आपका काम शांति से चलता रहे, हमें तो बस आपकी दया चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों के तालियों के गुच्छे जो है वो अलमारियों में ही लटके रह गए हैं और तालियां आई नहीं है, क्योंकि बहुत से मौकों पर मैंने देखा है कि तालियां या तो हाथ गर्म नहीं है या फिर लोग सो रहे। एक मौसम का ही है कि देखिए सहेलियां बात कर रही हैं और लोगों की आदत होती है, खासकर आदमियों की, कि वो बीच में टोकते जरूर हैं। कहा कुछ है मतलब आप कुछ निकाल लेते हैं। देखिए, आप सुनिए ध्यान से कि उसने सहेली से पूछा, कितने फंदे डालूं? अब इसमें क्या हंसने की बात है, कितने फंदे डालूं उसने सहेली से पूछा, तो पति चिल्लाए क्या, अरे एक ही फंदा काफी नहीं था। देखिए, सैनिक की बात आती है क्योंकि ये गणतंत्र दिवस का कवि सम्मेलन है, तो सैनिक बेटे को युद्ध भूमि के लिए विदा करते समय बीमार पिता ने पीठ थपथपाई। सैनिक बेटे को युद्ध भूमि के लिए विदा करते समय बीमार पिता ने पीठ थपथपाई है और कहा है शीशी दिखाकर गोलियों की, मत घबराना बेटे, गोलियां तो हमने भी खाई। और ऐसा ही दो सहेलियां हैं कि सैनिक की पत्नी से पूछा तुम्हारे पति आजकल कहाँ है। तो सिलाइयों पर स्वेटर का बॉर्डर बुनते हुए वो बोली हंसकर, वे भी बॉर्डर पर है, मैं भी बॉर्डर पर, वे भी बॉर्डर पर है, मैं भी बॉर्डर पर। देखिए, कुछ स्थितियां होती है बड़ी मजेदार कि फर्श रगड़ रगड़ कर साफ करते हुए, ध्यान से देखिए जरा, कि फर्श रगड़ रगड़ कर साफ करते हुए मंत्री जी के नौकर का कथन गढ़ता है, कहता है अब जरा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि सांप को थूक कर चाटना भी पड़ता। ऐसे ही एक स्थिति थी कि बड़े लंबे चौड़े आश्वासन देते हैं, नारे लगाते हैं और कर कुछ नहीं पाते। ये हमारी विडंबना है कि हम लोग उन्हें छेद जाते हैं। कि देखिए, उन्होंने कहा कैद करो फांसी पर लटका दो, अरे तस्करी भ्रष्टाचार की बड़ी से बड़ी सजा दो, कैद करो फांसी पर लटका दो, तस्करी भ्रष्टाचार की कड़ी से कड़ी सजा दो। तो लोग आत्मविभोर को उठे और बोले, नेताजी आप अपने प्रति इस
मैं यहाँ आ रही थी, अंतिम दे रही हूँ, जिस समय मैं यहाँ आ रही थी तो एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा था कि देशद्रोही का क्रिया कर्म करना है आप चंदा देंगे, कि देशद्रोही मर गया है उसका क्रिया कर्म करना है आप चंदा देंगे। मैंने आपकी ओर से भी आश्वासन दिया कि अरे देश के गद्दारों को चुन चुन कर उनका क्रिया कर्म कर दो, ये सारे श्रोता अपनी पूंजी लुटा देंगे, अपनी पूंजी लुटा देंगे। Wow.